बट अब आपसे आराम से हो जाएगा। ये आना चाहिए आप लोगों की तरफ से आंसर आना चाहिए। हाँ फर्स्ट इज नॉट पैराबोलिक। बस नॉट पैराबोलिक तो चाहिए। सॉरी सर मेरा प्रश्न नॉन पैराबोलिक तो चाहिए। आइए जरा। हाँ जी पहले वाले में ये वेल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, सबका आंसर आ जाना चाहिए था। डेल यू बाई डेल वाई प्लस, बिल्कुल ठीक है। आइए जरा हाँ जी पहले वाले में एवरीवन, ये डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, यानी ये एस हो गया, बाकी की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका आर हो गया है ना। हाँ दिस इज आर, दिस इज एस, दिस इज टी। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पहले वाले में एस स्क्वायर, दिस इज एक्स पावर फोर माइनस जीरो, क्या करें इसमें आप बताओ। हाँ जी ये कभी भी नेगेटिव थोड़े ना आएगा, कभी भी नहीं आएगा नेगेटिव। इज इट ओके, क्या क्या आ सकता है आप बताइए, क्या क्या आ सकता है। जीरो आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। जीरो कब आएगा, इफ एक्स इज जीरो। जी पॉजिटिव कब आएगा, इफ एक्स इज नॉन जीरो। तो कुछ भी इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है फॉर ऑल एक्स। देखिए अगर ये वाला देखेंगे तो इसमें भी सारे एक्स थोड़े ना इन्वॉल्व है, जीरो तो इन्वॉल्व है नहीं और उस वाले में भी नहीं। तो राइट नाउ पहले वाला आपका ये अगर ऐसा इक्वल टू जीरो होता तो पैराबोलिक होता,
बट ग्रेटर देन जीरो में आपका हाइपरबोलिक हो जाएगा, तो राइट नाउ कुछ कह ही नहीं सकते पहले वाले, कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, ऐसे दूसरा तीसरा चेज करो ना फटाफट से, क्या क्या आएगा पूरा तो एनालाइज करके बता दिया आपको, ऑल ऑफ यू रेस्ट ऑल आर पैराबोलिक फॉर सब ऑल दिस बस हो गया, खत्म हो गया फिर सब में एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी जीरो आ जाएगा, दिख तो रहा है फोर एक्स वाई, फोर एक्स वाई दिख रहा है ना आपको। ये तो करने वाले क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए ना आप लोगों से। आइए जरा फिर बात करते हैं ना कि ये इन्होंने क्वेश्चन कैसे डिजाइन करके दिया है, कि जो प्रॉब्लम लग रही थी हमें लॉजिकली वो भी सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इसमें एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी जो है, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, तो दिस इज फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरो आ गया, तो यानी कि ये है पक्का पैराबोलिक। इसमें भी दिख रहा है सेम ही आएगा आपका, ये भी पैराबोलिक है, उसने नॉन पूछा था तो नॉन में तो आएगा नहीं। हाँ जी, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, दिस इज एस सेम, दिस इज ऑल्सो पैराबोलिक। अब सर पहले वाले में देखो भाई इन्होंने क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया है, अब वो जो दे रहे हैं उस हिसाब से तो करेंगे। राइट नाउ ये पैराबोलिक है, ये पैराबोलिक है, ये पैरा, तो ऑब्वियसली पहले वाले में दैट मीन्स दैट मीन्स दैट मीन्स वो एक्स पावर अगर इवन लिखा है, स्क्वायर लिखा है या फोर लिखा है, सिक्स लिखा है, नहीं मान रहे होंगे जीरो, और क्या करेंगे हम, क्या किसी भी मार्क नहीं करोगे। कायदे से उनको ये लिखना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैराबोलिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो, तो फिर पक्का ए पार्टी हो जाता, कोई टेंशन नहीं थी। बट उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन करके दिया कि डी तो हो ही नहीं सकता, सी भी नहीं है मतलब जो उनको चाहिए, और बी भी नहीं, तो ऑब्वियसली होगा। क्लियर हो गया आपको, पहले आपको दिखा दिया कि देखिए सच में टेक्निकली प्रॉब्लम है, बट बाकी ऑप्शन क्योंकि डिस्कार्ड हो गए हैं तो मार्क तो ए ही होगा, हर हाल में ए ही होना। इज इट ओके? हम्म।